हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सोनिया। और क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं? वेल, आज हम सीखने वाले हैं अदर और अनदर। इन दो वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? कई बार you know, मैंने लोगों को सुना है ये कहते हुए, गिव मी द अनदर बैग, गिव मी द अनदर बुक। ये जो सेंटेंसेस है ये बहुत ही गलत है। और ये जो दो वर्ड्स है अदर एंड अनदर, ये बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से यूज़ करना अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में और अपने कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हम सीखने वाले हैं एग्जैक्टली, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इन्हें आप किस तरीके से बहुत ही ईजीली अपने सेंटेंसेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं अदर। इस वर्ड को हम इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए क्या रूल है और ये कैसे समझना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अदर, इस वर्ड को हम उन चीज़ों के साथ या उन वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे जो गिने नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि राइस यानी कि चावल, तेल, मेमोरी, लव, इमोशंस, ये तरीके जो वर्ड्स होते हैं जो हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं अदर। उन सेंटेंसेस में हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। ऑलराइट, और हम ये वर्ड्स तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम कुछ प्लूरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लूरल्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, प्लूरल्स का मतलब है एक से अधिक, यानी कि जिन सेंटेंसेस में हम अनेक वचन या बहुवचन की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक, अनकाउंटेबल नाउन्स जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि चावल, तेल, मेमोरी, दर्द वगैरह। और दूसरा, प्लूरल्स यानी कि अनेक वचन या बहुवचन वर्ड्स के साथ, यानी कि एक से अधिक वाले शब्दों के साथ। तो चलिए इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन यू गिव मी सम अदर इन्फॉर्मेशन? जी हाँ, इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी, करेक्ट? तो क्या हम जानकारी को गिन सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ जान सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो अनकाउंटेबल है। कैन यू गिव मी सम अदर, अदर मतलब कुछ और। कुछ और इन्फॉर्मेशन, कैन यू गिव मी सम अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कैन यू गिव मी सम अनदर इन्फॉर्मेशन, ये ग्रामेटिकली बहुत गलत है। ऑलराइट, सो रिमेंबर, इन्फॉर्मेशन ये वर्ड गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ आप ये वर्ड यूज़ करेंगे अदर, यानी कि कुछ और कहने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, कुड यू पास द अदर बिस्किट्स? जी हाँ, सपोजिंग आप चाय पीने बैठे हैं और साथ में बहुत सारे बिस्किट्स हैं, लेकिन आपको ये वाले नहीं चाहिए, आपको पार्ले जी वाले नहीं चाहिए, आपको ओरियो बिस्किट्स चाहिए। तो आप सामने वाले को कहेंगे, कुड यू पास द अदर बिस्किट्स, माने कि जो दूसरे वाले बिस्किट्स हैं, अदर। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, दूसरे वाले, अदर बिस्किट्स। यहाँ पे बिस्किट्स जो है ये प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म, राइट? एक से अधिक। अगर आप एक बिस्किट कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे वन बिस्किट, एक से अधिक के लिए आप कहेंगे बिस्किट्स। सो कुड यू पास द अदर बिस्किट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और ये है, यू शुड गिव हर सम अदर एडवाइस। जी हाँ, आपको उसे कुछ और सलाह देनी चाहिए। एडवाइस, एडवाइस का मतलब है सलाह। अब एडवाइस या सलाह को क्या आप गिन सकते हैं? बताइए, एक सलाह, दो सलाह, ऐसे कुछ तो आप नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन है जो गिना नहीं जा सकता। ऑलराइट, तो यहां पे आप ऐसे नहीं कह सकते, यू शुड गिव हर अनदर एडवाइस। नो,
यू शुड गिव हर सम अदर एडवाइस, इसका मतलब है आपको उसे कोई दूसरी सलाह देनी चाहिए, कुछ और सलाह देनी चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, वी शुड लुक फॉर अदर मैकेनिक्स फॉर द कार. ऑलराइट, वी शुड लुक फॉर अदर मैकेनिक्स फॉर द कार, इसका मतलब है कि हमारी जो गाड़ी है उसके लिए शायद जो अभी मैकेनिक है जो काम कर रहा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हम सामने वाले को कह रहे हैं कि हमें किसी और मैकेनिक, कोई और मैकेनिक ढूंढना चाहिए, ये अपना काम अच्छे से शायद नहीं कर रहा है. वी शुड लुक फॉर, मतलब हमें ढूंढना चाहिए अदर मैकेनिक्स, दूसरे मैकेनिक्स. मैकेनिक्स जो है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, करेक्ट. एक है तो वन मैकेनिक, एक से ज़्यादा तो मैकेनिक्स, तो यहाँ पे भी मैंने ये वर्ड यूज़ किया है अदर. तो अगर आप ये चारों के चारों सेंटेंसेस देखेंगे तो दो सेंटेंसेस में है अनकाउंटेबल नाउन्स, एक है इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एडवाइस, और दो सेंटेंसेस में है प्लूरल्स, जैसे कि बिस्किट्स एंड मैकेनिक्स. तो ध्यान में रखिएगा हमेशा जब आपको अदर ये वर्ड यूज़ करना है तो आप या फिर एक अनकाउंटेबल नाउन, जो वर्ड गिना नहीं जा सकता, जो नाउन गिना नहीं जा सकता, या फिर आप यूज़ करेंगे कोई भी प्लूरल या के जो है अनेक वचन या बहुवचन. अब नेक्स्ट देखते हैं अनदर. जी हाँ, अनदर, इस वर्ड को एग्जैक्टली कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल रूल है या फिर हम ऐसे ही इसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं. वेल, अनदर के केस में, ऑल राइट, हम हमेशा ही सिंगुलर, ओके, जो भी वर्ड्स हैं वो होंगे सिंगुलर, यानी कि अनेक वचन, यानी कि एक, वन बुक, वन पेन, वन का, वन पर्सन, सिंगुलर. और जो वर्ड है वो नॉन स्पेसिफिक होगा. अब अगर मैं कहूँ नॉन स्पेसिफिक तो उसका मतलब है कोई विशिष्ट, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक बॉटल चाहिए तो मुझे कोई भी बॉटल दे दो चलेगा, लेकिन अगर मैं वही वाला बॉटल चाहती हूँ तो मैं कहूँगी गिव मी दैट बॉटल, दैट पर्टिकुलर बॉटल. ऑलराइट, तो वो स्पेसिफिक है. तो अनदर के साथ आप सिंगुलर यानी कि एक वचन और नॉन स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करेंगे. इसका मतलब वो वर्ड्स जो आम वर्ड्स हैं, हम किसी स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर, कोई विशिष्ट चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं. चलिए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एम श्योर ये एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आएगा. आई विल मीट यू अनदर डे. जी हाँ, इसका मतलब है मैं आपसे मिलूंगी किसी और दिन. तो यहाँ पे डे है सिंगुलर यानी कि एक वचन. ऑलराइट, और मैंने ये नहीं बताया है कि कौन सा दिन. मैं कह रही हूँ कि कोई भी दिन, किसी और दिन, ना टुमारो, ना दो दिनों बाद, या ना ही एक हफ्ते पहले, किसी भी और दिन मिलेंगे. ये नॉन स्पेसिफिक है और ये सिंगुलर, एक दिन है. सो आई विल मीट यू अनदर डे, मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगी. यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आई विल मीट यू अदर डे, द अदर डे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको. आई विल मीट यू अनदर डे, इसका मतलब मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई नीड, मतलब मुझे ज़रूरत है, आई नीड अनदर चार्जर, दिस इजंट वर्किंग. जी हाँ, मुझे किसी और चार्जर की ज़रूरत है, यह वाला काम नहीं कर रहा. आई नीड अनदर चार्जर, अब चार्जर मैं कह रही हूँ कोई भी और चार्जर, नॉन स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर चार्जर नहीं, बस एक चार्जर जो काम कर रहा है. सो नॉन स्पेसिफिक चार्जर, कोई भी, और यहाँ पे है सिंगुलर, कोई भी एक चार्जर. मैं एक से ज़्यादा की मांग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक. आई नीड अनदर चार्जर, दिस इजंट वर्किंग. इजंट इज प्लस नॉट. ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू हैव अनदर बुक. ओके, डू यू हैव अनदर बुक.
इसका मतलब है क्या आपके पास कोई और बुक है? Do you have another book? यहाँ पे book जो है ये है singular एक book और मैं किसी भी और book के बारे में बात कर रही हूँ ना कि कोई particular या कोई specific book के बारे में. And finally, please give me another bag. जी हाँ, मेरा bag जो है ये फट गया है, इसमें मैंने बहुत सारा सामान डाल दिया, तो please 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 मुझे एक दूसरे bag की ज़रूरत है. So please give me. Give me का मतलब है मुझे दीजिए another bag. यहाँ पे bag है singular और bag है non-specific. कोई भी bag चलेगा. अब तो मुझे फिक्र नहीं है, right? कि कोई color हो, कोई size हो. मुझे कोई भी bag दीजिए. Please give me another bag. Bag singular है और non-specific. यानी कोई particular bag नहीं, कोई भी bag. Alright? तो यस फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं आपके सेंटेंसेस में अदर या फिर अनदर. इन सेंटेंसेस को आपको ध्यान से समझना है. अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनिए इन वर्ड्स का, और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसे ध्यान से पढ़िएगा. ऑलराइट, वेल, आज के लिए बस इतना ही. आई होप कि आपको ये लेसन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक और अच्छे लेसन के साथ. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.